हेलो रविंद्र कोतवाल चैनल में तुम सारी को स्वागत है। आज 8 मार्च कौन से खरीदी आड़ी मानने का थी वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। पूरे दुनिया में महिला दिवस है कौन से खरीदी आड़ी है मानने का थी। एक्चुअली कौन भरतु कौन से खरीदी आड़ी कौन जरूरत पे उठी अक टाइम 1900 के आसपास, बल्कि 1959 पहले हटे है एक सोशलिस्ट पार्टी थी अमेरिका री जनी वुमेन्स डे सेलिब्रेट की और तू कौन से करी थी आड़ी की कौन से करी थी आड़ी मतलब कौन से करे अगेंस्ट जना अत्याचार भेरेवरन जन भी कौन संपूर्ण जुलम भेरेवरन तना जुलम मटाएगा तना रोकेगा तल ले आक दिहाड़ी शुरू की हो रही थी 1919 में 28 फरवरी आ दिहाड़ी मैंने उठी तलपति 1910 1911 1912 कदे शिंचरे दिहाड़े कदे शुक्रे दिहाड़े शुक्रे शिंचरे आए थे याना टाई दिहाड़े डेट सब ये जे फरवरी रो लास्ट हफ्तो या मार्च रो पहलो हफ्तो आ दिहाड़ी सेलिब्रेट की गई थी कि कौन शक्रे बारे में सा कि सोचम कौन सन अपलिफ्टमेंट करम कौन सन आग्रह बढ़ाम कि जो कि कौन शक्रे खिलाफ कौन से करे अगेंस्ट कई अत्याचार जुलम जना भोतन हुनतर जना भैरवन तल ले कि भाई लोग ना सा जागरूक करन करम क्वांश क्वांश तय क्वांश जा बलात्कार री शिकार होती है जससे हरेसमेंट की जाती है असी सोच रु लोड़े तस कौन सर्च गई सी अम्मा भई सकती है इसी बहन इसी बुआ इसी अपनी कोई भई सकती है। सो अस वजह से आ जा इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज सेलिब्रेट करना शुरू कियो। फिर पहले पहले कौन भेजो कि 1975 के टाइम में 1975 में जा यूनाइटेड नेशंस है तनी भी घोषित कियो तनी ता पूरो 1975 को साल इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन्स डे घोषित कियो मतलब कौन से करो साल ता घोषित कियो और ता टागरो जो कि हर साल असी कौन से करो डे सेलिब्रेट करना है और इसमें मकसद कौन बनो इशो कि कौन सन कुंची ना कुंची तरीके ऐसा अपलिफ्टमेंट करम और तन करे अगेंस्ट जना गलत गला भेरे और इन तन ना सा दूर करम राइट। तलपति 2011 में शौमुंग एनिवर्सरी बनाई जाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे रे शौमुंग एनिवर्सरी का 2011 में ते 2011 नपति ते हुना 2019 तार हर साल किछ न किछ सी नवी चीज आ रही होती है जिनसरा अगर तू सचा था 2011 के रिमी जोई तुसन शौमुंग एनिवर्सरी थी 2012 में एम्पावर रूरल वुमन जना डाउन में कौन से रहतीन तनन एम्पावर करन तन तनना सा अग्रवान हम और एंड हंगर पॉवर्टी जा जा ग्रीपी है जा भूखमरी तता खत्म की गा तसेर अलावा 13 में जो की जत्रो भी वायलेंस होते कौन से अगेंस्ट तता कुंची न कुंची तरीके खत्म की होगा। ओके तसेर पति 14 में 2014 जैसा तो 2014 में जो की क्वांश मर्द अक बराबर इक्वलिटी फॉर वुमेन इज प्रोग्रेस फॉर ऑल अगर क्वांशसी इक्वल मन्ने मर्दे सी तो समझ पूरे पूरे दुनिया री तरक्की है ठीक है। अगर जो तो न कि अक मट उपड़ात तो अक घर रोशन भ सकते अक कोई पड़ात तो ता दुई घर रोशन करती है तत्त साबे से 2014 करवा मकसद आ थीम थू इंटरनेशनल वुमेन्स डे रो कि इक्वलिटी फॉर वुमेन इज प्रोग्रेस फॉर ऑल अगर कौन से ना सा इक्वलिटी ले रहे देने तो समझा सा पूरे पूरे इंडिया ही पूरे दुनिया ऐसा प्रोग्रेस कर रहे हो रहे 2015 में एम्पावरिंग वुमेन इज एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी अगर ऐसा कौन सी एम्पावर कर रहे हो रहे तो समझा सा पूरी इंसानियत जाए तो ऐसा सा एम्पावर कर रहे हो रहे। ओके 2000 के अंतर पूरे दुनिया ही मां पूरे ग्लोब पे पुड 50-50 लोड़े 50-50 मींस जतरे राइट्स मर्द करन ततरे राइट कौन से करे लोड़न मतलब कौन से मर्द अक बराबर ठीक है। आती 2016 करी गल 2017 में भी किछे रुजर तू 2017 में करो जा थीम तू ता तू वुमन इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क है आज से चेंजिंग दुनिया में कौन 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 लेवरी करना कौन ने लेवरी करने एक्चुअली पायलट कौन से ड्राइवर कौन से ट्रेन कौन से लेवरी चलाने ऑटो कौन से लेवरी चलाने बस कौन से लेवरी चलाने आर्मी में
कौन से पुलिस में कौन से, मतलब हर जगह एस्ट्रोनॉट और घर गृहस्थी संभालने कर नहीं था एरोप्लेन एयरक्राफ्ट चलाने तर सुनीता विलियम्स कल्पना चावला हेरा तुसा है तकवान सुना हर जगह है ओके और मकसद कौन है 2017 का मकसद तू ताय कि पूरे विश्व प्लैनेट जाए 50-50 कौन स्मार्ट इक्वली हर जगह ही लोडन ओके तलपति 2018 करो तू टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लव वुमेन्स लाइफ है हुनी टाइम और एक डमरी कौन सा तो सिटी री कौन सा बाजार की कौन सा तो डमरी कौन सा सब आक बराबर और मर्देसी बराबरी करन तस बराबर है जो भी डाउन मा इसे इंडिया में 70% लोग डाउन में रहता ना और डाउन में है जो भी अवेयरनेस रही कमी है लिहाजा डाउन में भी है अवेयरनेस लौटती है कि कौन सा मर्द अक्समान आक बराबर ओके तसेर अलावा इज 2019 आज री दिहाड़ी 2019 में कौन है असमा जरूरत थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज इक्वल सोचा और सोच इक्वल है चाहे कौन सी सोच भोए मर्द री सोच भोए कई मंथन है जो भी कि मर्द कौन सी करा फॉर बेटर है बहुत अग्रों में लेकिन हकीकत नहीं अगर तू सा चांस देता तो कौन सा मर्द अक्षमानन ठीक है सो थिंक इक्वल आका जरी सोच रखा बिल्ड स्मार्ट स्मार्ट बिल्ड करा कौन सा भी होना इंजीनियरिंग कौन सा डॉक्टर कौन सा कोई नहीं कौन सा सो इशो फर्ज मानते कि असि होना मर्द कौन सा अक बराबर मनोर लड़न अपनी कुया पढ़ात लिखात तन अग्रो पसात ठीक है मेरो अक गाना भी आए घर री लक्ष्मी भोचे कोई तुसे कुयन की ना सुखात कुये मठे में फर्क नहीं लोगों कोई कुयन भी पढ़ात लिखात हेरो बोलो तुसी सो आज 8 मार्च आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पुड मी एक इनविटेशन में ली होटल ताज लैंड्स एंड शाहरुख खान रे घरे साथ एक होटल है बहुत अच्छा होटल 5-star होटल है तस्मा वुमेन्स इंटरनेशनल डे पुड में मी तड़ी गान रो मौको मालो है जस्ट पार्टिसिपेट करने तड़ी कोई चीफ गेस्ट ना तू एज ए मेंबर एज ए ऑडियंस समझा तड़ी गान रो मौको मालो और चीफ गेस्ट जना थी तड़ी ता जना से बना मशहूर विद्या बालन फिल्मी एक्ट्रेस देन अमेजोन वी प्राइम वीडियोज आए तथा सीरीज है सीईओ इंडिया में है तो सर नाम जेनिफर सालके ताती देन अपनी प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर जोया अख्तर जावेद अख्तर री कोई ते दुईटाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो रही भी थी ऑल लेडीज है सारी कौन सा थी तो मैं मिताड़ी तनसी अपनो थोड़ा जोरो टाइम गुजारने का मौका मिल लो तो तसेरे कुछ मोमेंट हो तो सुन ये ठाकरों और आता किंचरा ताड़ी जो कर जोरो मजवाओ तो सभी एंजॉय करा ओके लेकिन आग गल इम्पोर्टेंट घरी लक्ष्मी भोजे कोई तुसा कुयन के ना सुखात कुये मठे में फर्क नहीं कोई लोकाओ कुयन भी पढ़ात लिखात तुसा कुयन भी पढ़ात लिखात फौजी में कुया पुलिस में कुया कुया कुछ जर नहीं पासे आज फौजी में कुया पुलिस में कुया कुया नहीं आज कुछ जर पासे कल्पना चावला सुनीता विलियम्स हेरा हेंटता है आकाश है तुस भी लोकाओ कुयन अपने छेल बत हरात कुये मठे में फर्क नहीं कोई लोकाओ कुयन भी पढ़ात लिखात
Of men here, you know. Secondly, I think this tends to happen sometimes on panels about women. It's not about the panel. I'm just using it as an illustration. I'm talking about overall this conversation, and there's so much since last year. Right. Has it left men out and on the back foot? No, I think because we've not had a voice for very long, we've only begun to express ourselves. So it's not like this is not for men or this is not going to include men or anything of the sort. It's because we want to express ourselves as much, you know, and I'm sure men are listening. I'm sure, you know, I hope every man wants to listen to what we have to say. But I hope every woman is also listening. Yeah. Importantly, yeah. You know, it's not just because sometimes we women... Not sometimes, often, we women are products of that conditioning, that sexism, which is very deeply ingrained in us. So, you know, it's not just, we can't just say it's about the men. It's as casual as... We've not known any better. Yeah. You know, it's as casual as Rahul Gandhi in a speech saying, oh, you know, Prime Minister Modi, you're hiding behind a woman because you sent the defense minister of the country to parliament to defend the Rafael deal. Okay, forget the politics, but the casual sexism of what was said is something that I think we deal with every day in very different ways. Jennifer, I think I've been told that we have a little bit. Okay, I'll go quickly. I think there are a lot just of close this with yeah, very supportive men who are feminists, as Zoya just described, men who love to amplify voices. That there is, women will always say no, and you should just jump on them. That's what you're putting out there, because and you realize that when you're a kid, you don't really focus on it, you know, and then when you grow up, you're like, that's kind of weird, you know, it needs to change. You need to see interaction and how it's meant to be. And we're seeing a lot of that now, isn't it? Much more, yeah. Is that because...